शांति पवित्रता ही सुख शांति की जननी है प्योरिटी पवित्रता मतलब मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना मनसा में क्या करते हैं हम मन में सोचते हैं मन से सोचते हैं ना विचार उठते हैं मन में तो मन में हमारे विचार कैसे हो रहे हैं कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं या हम कैसा सोच रहे हैं उसका हमारे खुद के ऊपर और हमारे आसपास वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ता है बल्कि लोग जनरली आम दुनिया में क्या सोचते हैं हम क्या सोच रहे हैं किसी को क्या पता पड़ रहा है तो वो मन में आज की दुनिया में क्या हो गया मन में कुछ और सोचते हैं और मुंह से कुछ और बोलते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर में हैं और हम कहीं मार्केट जा रहे हैं या किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं हम जैसे ही घर से निकलते हैं हमारे कुछ गेस्ट हमें हमारे घर में आते हैं अचानक तो हमारे मन में क्या होता है हम ऊपर से कहेंगे हाँ हाँ आइए आइए प्लीज़ वेलकम लेकिन अंदर से हम क्या सोच रहे होते हैं ओह इनको इसी समय ही आना था क्या कितने इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे थे तो इस सिचुएशन में क्या हुआ मन कुछ और सोच रहा है और मुख कुछ और बोल रहा है मन में हम सोच रहे हैं इनको अभी आना था लोग किस समय आए हैं किस टाइम पर आए हैं और मुँह से क्या बोल रहे हैं हाँ प्लीज आइए आइए वेलकम बैठिए तो इन दोनों चीजों में अंतर हुआ ना तो हम क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मन में हम क्या सोच रहे हैं किसी को क्या पता लगता है लेकिन ऐसी बात नहीं है जो हम मन में सोच रहे होते हैं मुख से उस समय नहीं बोल रहे होते लेकिन कभी आपने अचानक महसूस किया होगा जो बात हमारे मन में चल रही होती है ना हम सोचते मन में ही चल रही है ना, लेकिन अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आती है वो मन की बात बाहर निकल जाती है अपने आप मुख से बाहर निकल जाती है वही हम बोल देते हैं क्योंकि वो मन ही मन में नहीं रह सकते कभी ना कभी मुख मुंह के द्वारा वो निकल जाएगी बाहर तो हाँ फिर वो हमारा बात का क्या बन जाता है हम बोलते ना ओह ये तो मैं बोलना ही नहीं चाह रही थी ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया तो ये क्यों निकला क्योंकि हम मन में सोच रहे थे बहुत दिनों से इसी चीज पर सोच रहे थे तो कभी न कभी मुंह से वो निकल जाएगी बात आप नहीं चाहते हुए भी आपके मुंह से निकल जाएगी तो इसीलिए हमें अपनी तीनों चीज़ों पर अटेंशन जिसमें सबसे पहले देखो हम मैं बोला ना मनसा वाचा कर्मणा ये लिखा होता है ये सीरीज है कि मन से हम जो सोचते हैं वही हम मुंह से बोलते हैं हमारे मुंह पर वही आएगा और वो जो हम बोलेंगे वही हम क्या करेंगे कर्म करेंगे तो मन से हम क्या सोच रहे हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आजकल दुनिया क्या करती है मन में कुछ कुछ ज़्यादा गड़बड़ गड़बड़ सोच रही है हो रहा है ना जिसको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं कितने नेगेटिव है ना कितने मर्डर कर रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है रेप हो रहा है और दूसरों के रिलेशन में प्रॉपर्टी नहीं मिली तो मर्डर कर दिया अपने बड़ों का भी मर्डर कर दिया और इतने क्राइम्स बढ़ गए हैं क्यों मन में हम वो सोच रख रक, रखते हैं सो जब हम मन में ऐसा सोचते हैं तो हमारे हाथों से भी और हमारे मुंह से भी वही कर्म हो जाता है तो पवित्र बनने के लिए हमें सबसे पहले मनसा पर अटेंशन देना है अपने मन पर अटेंशन देना है कि मन प्योर होना चाहिए पवित्रता के बिना सुख शांति नहीं आ सकती आज की दुनिया को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं कलयुग बल्कि अब तो घोर कलयुग कहते हैं कहते हैं ना सभी बोलते हैं ओहो आजकल तो घोर कलयुग हो गया है हो गया है ना इसीलिए तो बोलते हैं मुझे तो घोर कलयुग और अपवित्रता सबके मन में दुर्भाव और हर तरह से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा कंपैरिजन कंपटीशन हेट्रेट ये सब हमारे अंदर है सबके अंदर है और ये सब हम कर रहे हैं और ये जो हम सोच रहे हैं ना ये एनर्जी ये वाइब्रेशन वायुमंडल में जा रहे हैं और वो दूसरों पर जिनके लिए हम सोचते हैं उन तक पहुंचते हैं ये और उन पर भी वही प्रभाव पड़ता है तो हमारी सोच का पूरे वायुमंडल पर और उस वातावरण में रहने वाले हमारी सोच का प्रभाव पूरी यूनिवर्स पे पड़ता है अगर हम खुश हैं तो पूरा यूनिवर्स खुश होगा हमारी वो वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में जाएगी और हम गलत सोच रहे हैं तो वो हमें तो इम्पैक्ट कर ही रहा है हमारे साथ साथ यूनिवर्स में भी वही वाइब्रेशन जा रही है तो कितनों को वो अफेक्ट कर रही है तो इसका रिजल्ट क्या हुआ हमारी सोच ऐसी सोच का प्रभाव पूरे यूनिवर्स पूरी दुनिया पर पड़ा वाइब्रेशन सारे ऐसे हो गए तो हर लोग ऐसे हो गए सबकी सोच ऐसी हो गई और फिर हम सब ऐसे हो गए तो हम सब ऐसे हो गए तो ये क्या बन गया कलयुग भी घोर कलयुग बन गया कैसे कैसे पाप इस दुनिया में हो रहे हैं उसका कारण है मन की अपवित्रता तो सबसे पहले मन की पवित्रता पर ही काम करना होता है अब आप देखो उदाहरण लेते हैं आपको बताते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना सब उस बच्चा राजा के घर में पैदा हुआ तो राजा के घर में कौन पैदा होता है राजकुमार महलों में पलता है वो है ना राजा का बच्चा राजकुमार महलों में पलता है लेकिन वो जो थोड़ा सा बड़ा होता है तो राजा क्या करता है उसको कहाँ भेजता है अपने महलों के सुख वैभव से भी दूर ऋषि मुनि के आश्रम में भेजा जाता है आप फिल्में देखते हैं ना तो जैसे राम के जो बच्चे थे कहा गए लव कुश आश्रम में पले महलों के सुख नहीं अगर उस एज में लव कुश जो थे उस एज अवस्था में अगर उनको महलों के सुख दे दिए जाएं तो वो आगे अच्छा राजा नहीं बन सकता त्याग जो त्याग करते हैं ना जो ब्रह्मचार्य जीवन जो है जिसको हम कहते हैं है? कहते हैं और पहले हम बोलते हैं ब्रह्मचार्य जीवन और आज हमने उसकी डेफिनेशन क्या कर दी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ ये मॉडर्न लैंग्वेज का डायलॉग और पहले हम बोलते थे ब्रह्मचार्य जीवन तो स्टूडेंट लाइफ ही हमारी ब्रह्मचार्य जीवन होती है तो इवन राजा लोग भी अपने राजकुमारों को आश्रम में छोड़ाते थे और आश्रम में वो राजकुमार कैसे पलते थे कैसे पलते थे जैसे आश्रम के नियम होते हैं जैसे कपड़े आश्रम में पहनते हैं जैसे कपड़े जैसा भोजन आश्रम में खाते हैं एक कुटिया में रहना जमीन पर चटाई डालकर सोना कंदमूल फल जैसा जो भी भोजन वहां बनता है जंगल से लाकर वो खाना और फिर जो गुरु शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को ग्रहण करना तो आश्रम के भी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होते हैं तो राजा अपने राजकुमार को आश्रम में भेजा करते थे शिक्षा लेने के लिए और अच्छी उच्च शिक्षा वो प्राप्त करें और वो नियम अनुशासन में रहें और एक तपस्वी मूर्त बन जाए क्योंकि बिना ब्रह्मचार्य के बिना अनुशासन के बिना ऐसे डिसिप्लिन के कोई भी मनुष्य महान नहीं बन सकता राजा नहीं बन सकता क्योंकि उसमें बहुत गुण होने चाहिए उसमें युद्ध करने की कला होनी चाहिए उसका माइंड बेहद की दृष्टि सोच होनी चाहिए और उसको वृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए तो वो अपने पेरेंट्स से डिटैच होके अलग रहने का अभ्यास होता है और सुख वैभव का भी त्याग करके आश्रम में रहना फिर गुरु गुरु से शिक्षा लेना और युद्ध स्तर लेवल की शिक्षा लेना ये सब ब्रह्मचार्य जीवन में राजकुमारों को भी करना पड़ा था क्योंकि वही समय होता है वही एज होती है जिसमें हम ये सब कर सकते हैं सीख सकते हैं तो ब्रह्मचार्य जीवन पवित्र जीवन होता है उस जीवन में भी हम मौलिक नैतिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और किसी समय नहीं कर सकते आप बोलेंगे जी हम गृहस्थ आश्रम में बैठ कर ये सब सीख लें हम बन जाएंगे नहीं बन सकते हम सीख सकते हैं लेकिन धारणा नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है एक समय होता है एक स्थान होता है जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे हम एक कुशल राजा नहीं बन सकते या किसी अच्छी पोस्ट के लायक नहीं बन सकते इसीलिए स्टूडेंट लाइफ ब्रह्मचार्य जीवन होता है उसी में हम हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं क्योंकि उसमें ग्रहण शक्ति ज्यादा होती है और हमारा जो मन है वो भी विकारों रहित होता है तो वो श्रेष्ठ समय होता है जब हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं अच्छे आदतें अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं धारण कर सकते हैं जो फिर हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ में पूरा काम आती हैं। हम दूसरों को भी अच्छा बना सकते हैं और खुद हमारी लाइफ भी अच्छी बन सकती है तो पवित्रता ही मेन जननी है देखो जननी माँ को कहते हैं तो पवित्रता ही वो मां है मां समान है अगर पवित्रता धारणा की तो पूरा जीवन हमारा सुखमय हो जाएगा इसलिए और वो फैले मन से आती है मन में पवित्रता मन में अपवित्र संकल्प आया तो हम वाणी में भी और कर्म में भी अपवित्र एक्शन हमारे हो जाएंगे बल्कि हम सोचते हैं ना मन में कौन सुन देख रहा है कौन समझ रहा है नहीं मन तो हमारा बीज है बीज बीज से ही हर चीज शुरू होती है बीज से ही पेड़ बनता है ना तो बीज में ही अगर अपवित्रता आ गई तो फिर पेड़ भी कैसा बनेगा जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ बनेगा और जैसा पेड़ बनेगा वैसा फल देगा तो इसलिए बचपन से बचपन से ही बच्चों को ब्रह्मचर्य जीवन में ही ये सब धारणाएं करानी होती हैं ये शिक्षाएं दी जाती हैं ये धारणाएं कराई जाती हैं और उनको स्ट्रिक्ट अनुशासन में रखा जाता है ताकि उनके अंदर मजबूती आए स्टेबिलिटी आए और वो ज्ञान को सही रीति धारण करें अच्छे बुरे का या आगे आने वाली लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं राजाओं को तो बड़े बड़े युद्ध करने पड़ते हैं अगर वो उस जमे शिक्षा नहीं लेंगे गुरु से तो क्या वो उन राजा बन पाएंगे क्या जीत पा पाएंगे क्या प्रजा को प्रजा की पालना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसका मूल कारण है पवित्रता जिसमें मन में पवित्र संकल्प होने चाहिए जैसा मन सोचेगा देखिए जैसा मन सोचता है वैसा ही हम फील फीलिंग आती है वैसे ही हम एक्शन करेंगे हम बोल वैसे ही होंगे हमारे और जैसे बोल होंगे वैसा ही हम कर्म करेंगे और कर्म जैसा करेंगे वैसे करते करते वो हमारी क्या बन जाएगी आदत बन जाएगी हैबिट बन जाएगी और जब एक बार कोई अच्छा कहते ना ये तो इसकी आदत बहुत बुरी है या ये ये आदत बहुत अच्छी है तो आदत ही फिर हमारा संस्कार बन जाता है और संस्कार से ही संसार बनता है कहते ना ये देवी संस्कार वाला मनुष्य है ये आसुरी संस्कार वाला मनुष्य है तो हमारे संस्कार हमारे थॉट पर डिपेंड करते हैं कैसा हम सोचते हैं तो हर सोच पवित्र होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए तो हमारा संसार हमारे संस्कार पवित्र बन जाएंगे और जैसा संस्कार होते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है तो भाग्य हमारे अपने हाथ में है और भाग्य का बीज है भाग्य बनाने का बीज है भाग्य बनाने का बीज क्या है हमारी सोच हमारा संकल्प हमारा थॉट जो प्योर होना चाहिए पावरफुल होना चाहिए और तो हमारा भाग्य भी उज्जवल बन जाएगा तो डेस्टिनी मेरे अपने हाथ में है मेरा भाग्य मेरे अपने हाथ में है मैं अपना जीवन कैसे बनाना चाहूँ हम दूसरों को ब्लेम करते हैं ये ऐसा ऐसा मेरे अपने हाथ में है तो मन से पवित्र होना मन सा वाचक पवित्र होना चाहिए तो जीवन उज्जवल ही उज्जवल है ओम शांति